गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टॉपिक 3.2 सिंथेटिक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें तीन टाइप का आपको सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है, जिसमें कि पहला है रेयॉन। ठीक है, तो आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से बनता है, और इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो चाइना में हुआ था, जो कि बहुत सालों तक इसने इस बात को छुपा कर रखा था, सीक्रेट रखा था, दुनिया को नहीं बताया था। ये जो फैब्रिक होता है, यानी इससे जो सिल्क से जो कपड़े बनते हैं वो बहुत महंगा हुआ करता था। ठीक है, तो इस महंगा होने की वजह से सब लोग इसको ख़रीद नहीं पाते हैं। तो इस बात को ध्यान देते हुए कि इसको कैसे कम दाम में उपलब्ध कराया जाए, तो इसको आर्टिफिशियली तैयार किया गया। ठीक है, हालांकि यह बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर होता है, जिसे सबको बहुत लुभावना लगता है। ठीक है, बहुत बार इसको कोशिश किया गया बनाने का और बनाया भी गया, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके, ठीक है ना, कुछ केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके और वुड का पल्प, यानी जो पेड़ पौधा में जो पल्प होता है, पल्प का मतलब होता है गुदा, ठीक है, उसका यूज़ करके ये सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, जिसको कि नाम दिया गया रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। यानी सिल्क तो था लेकिन ये आर्टिफिशियल है। तो ये जो सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, रेयॉन जो है वो मैनमेड तो है ही, साथ में इसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया गया। ठीक है, तो यह काफ़ी सस्ता हो गया। ठीक है, और इससे जो है ना आसानी से कपड़े वगैरह बुनाई किए जाने लगे, और इससे कोई बहुत सारे वैरायटी के कलर्स भी इसमें उपलब्ध कराए गए। रेयॉन को मिक्स करके कॉटन के साथ, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के बेड शीट्स और जो कारपेट होते हैं वो बनाए जाते हैं। ऊल के साथ को, अगर रेयॉन को मिक्स करेंगे ऊल के साथ तो कारपेट बनाया जाता है। देखिए ये कारपेट है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है नायलॉन का, सॉरी सिंथेटिक फाइबर का, वो है नायलॉन। तो ये भी मैनमेड फाइबर है, लेकिन ये जो था पिछले वाले में क्या किया गया रेयॉन में, कि प्लांट और प्लांट का वुड का पल्प इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ना प्लांट का ना एनिमल का कोई भी रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया। यह कोल, वाटर और एयर को यूज़ करके नायलॉन बनाया गया। ठीक है, 1931 में। इसका जो ख़ास बात यह होता है नायलॉन का कि यह जो है काफ़ी मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, खिंचावदार होता है और बहुत ही हल्का होता है, और यह बहुत चमकीला भी होता है और आसानी से इसको धोया जा सकता है। इसीलिए यह बहुत ही पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। इसका और भी बहुत सारा यूज़ है, जैसे सॉक्स, मोजे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, टेंट जो होते हैं वो सब बनाया जाता है, टूथब्रश देख रहे हैं आप यूज़ करते हैं उसको बनाया जाता है, जो बाइक कार्स कवर्स होते हैं, सीट बेल्ट होते हैं, स्लीपिंग बैग होते हैं, ये भी पर्दे होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा नायलॉन्स का जो है, ये देखिए जो पैराशूट है वो बनाया जाता है, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं उनकी रस्सियाँ बनाई जाती है, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं एक दूसरे फाइबर या फैब्रिक के कंपेयर में, बहुत मजबूत होते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि इसको कंपेयर किया गया स्टील बार से तो उससे भी मजबूत निकला। ठीक है, ये एक्टिविटी 3.1 में बताया गया है कि हम कैसे किसी
फाइबर का स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। इस तरीके से लटका करके बांध दिया गया है और यहाँ पर देखिए कुछ वजन रखा जा रहा है। वजन को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे वजन मान लीजिए 1 किलो डालें फिर 2 किलो, तो एक समय के बाद क्या होगा, वो फाइबर जो है ना टूट जाएगा। तो इससे पता चलता है उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। इसी तरीके से कॉटन का, ऊल का, सिल्क का, लाइनन का बना करके स्ट्रेंथ पता लगाया जाता है। उसके बाद है तीसरा नंबर का जो फाइबर है सिंथेटिक फाइबर, वो है एक्रिलिक, ठीक है ना, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो इसमें ये भी जो है ये भी एक मैनमेड फाइबर है, और इसका ख़ास बात यह है कि इसमें कोई रिंकल नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मतलब ये आपको इसको आयरन करने का बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, हमेशा से ये कड़क रहता है और धोने में बहुत आसान होता है। तो यह यही वजह से जो है ड्रेस मटेरियल बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। और हम लोग भी बहुत सारा अलग अलग वैरायटी में आते हैं तो इसको लेना पसंद करते हैं। एक और इसमें होता है, इसका टाइप है टेरिलीन है, ठीक है ना। यह भी एक पॉलिस्टर का एक टाइप है जो काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारे फैब्रिक आसानी से बना जाते हैं। पेट, पेट वर्ड जो है ये लिया गया है पॉली इथाइलीन टेट्राप्थलीन, देख रहे हैं यहाँ पर, पॉलीथिलीन टेट्राप्थलीन, ये पेट का फुल फॉर्म है। यह जो है पॉलिस्टर का एक टाइप है जिसका जो यूज़ होता है, पानी हम लोग जो पीते हैं उसमें बोतल बनाने में होता है, कुछ बर्तन बनाने में, कुछ जो है फिल्म, फिल्म का मतलब कुछ जो ग्लासेस वगैरह में कार के कांच वगैरह में लगाया जाता है ना, ब्लैक कलर का, लाइट कलर का, अलग अलग कलर्स में उसको फिल्म करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता रहा है। पॉलिस्टर जो है इसको बहुत सारे वैरायटी बनाया गया कॉटन के साथ मिक्स करके, ऊल के साथ मिक्स करके। तो जैसे ये आप देख रहे होंगे ये पॉलीकॉट है, तो ये पॉलीकॉट कब बना, जब पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स किया गया। पॉली ऊल कब बना, जब पॉलिस्टर और ऊल को मिक्स किया गया, ठीक है ना। टेरिलिन और कॉटन को मिक्स किया तो टेरिकॉट बना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो मजबूती है वो बढ़ जाता है, और इसमें इसका जो डिज़ाइन है वो बनाने में बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है वो हम लोग जो अपने घर में सर्दियों में जो कंबल वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, ब्लैंकेट, अलग अलग सॉफ्ट डिज़ाइन कलरफुल, वो सारा जो है वो इसी एक्रिलिक का बना होता है। यह जो नेचुरल ऊल है जो भेड़ से प्राप्त होता है उससे बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे होता क्या है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है जिसमें हम लोग एक्रिलिक की बात किए हैं, पॉलीकॉट की बात किए हैं, नायलॉन की बात किए हैं, ये होता तो सही है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है, यानी कुछ इसमें खराबियां हैं, इनके कुछ कमियां हैं। ये होता क्या है कि जब भी इसको कोई हीट, जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लग गया हो और आप इस तरह के कपड़े पहने हुए हो, तो ये क्या होगा कि आपके बॉडी में ये जो मेल्ट हो जाएगा और स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा आपको। तो अगर जब भी आप कोई किचन का काम कर रहे हो या कोई लैबोरेटरी का काम कर रहे हो तो इस तरह का कपड़े पहनने को मना किया जाता है, ठीक है। इतना जो हम लोग फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़े हैं, सारे जो थे वो सिंथेटिक फाइबर हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर बनाने में कुछ पेट्रोलियम केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो ये इसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 3.3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।